सो हेलो हेलो गाइस, गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। मेरा नाम है समीर। और मेरा नाम है अली। और आज की जो वीडियो हम रिएक्ट करेंगे, मैडम सर प्यारे से फनी मोमेंट जिसके मैडम बहुत भी है ज्यादा कमेंट आ रहे, देखता ना सर। उसमें, सर भी है क्या यार। मैडम मैं सर, हाँ यार, भूल मैडम तो गया है क्या तू? मैडम सर यार, नहीं, मैंने एक दफा देखा है पर मेरे को याद है अंदर सर कोई नहीं है, सारी मैडम है। नहीं नहीं ये वो बोलते हैं ना मैडम मैडम सर सर यार। मैडम सर हाँ, हाँ अभी देखते हैं, चलो। आज बड़ा नाम पुराना पे ड्रामा एक तरह से यार ये। पुराना ड्रामा नहीं है भाई, क्या हो कितना गया। टाइम हुआ है? मैं एफआईआर तो पुराना है भाई, FIR, हाँ यार वो भी इस तरह का है ना असल ये मेरे से ज्यादा भुलक्कड़ हो गया भाई। में। लेकिन भाई इसमें फनी मोमेंट बड़े हैं यार इनके। सो 3 2 एंड स्टार्ट। क्या माँ ओ कसम लग रही हो मैडम आप? गिल्लू कौन है ये? हाहा चाटा। तो ये भी देख के टारगेट हरकत करना। एडवर्टाइजिंग मतलब कुछ नॉर्मल प्रोडक्ट्स की आड़ में कुछ हानिकारक प्रोडक्ट्स जैसे सिगरेट, अल्कोहल, टोबैको एक्सेट्रा बेचना। बेचे नॉर्मल प्रोडक्ट्स भी जाते हैं, पर उसकी आड़ में बहुत ही सफाई से ये हानिकारक प्रोडक्ट्स भी बेचे जाते हैं जिसे पकड़ना लगभग नामुमकिन है। वाह मैडम, आप मस्त समझाई, लेकिन अफसोस कि हम कुछ ये लुच्ची का बैग 15,000 का है। लुच्ची का बैग? लुच्ची मतलब तुम्हारी सास का ना। अगर गुची तो सुना था। लुच्ची बोला सास। हाँ जी आंटी जी, फिर से प्लीज। ओके ओके ओके। क्या समझ आया? क्या ओके ओके क्या समझ में आ रहा है? एक सेकंड, वो बोल रही है ना। हाँ जी बोलिए। ओके हमें क्या आई है? हमें कोई समझाएगा क्या हो रहा है? कमाल है आपका। मैडम सर आप बहुत परेशान लग रही है, कहाँ हो गया? मैडम सर को एक फोन आया था, इसी ने मैडम सर को ये कहा आपके लिए कि आप मर चुकी हैं। फिर मैडम सर ने कहा मुझे चेक करने के लिए, तो मैंने चेक किया तो कॉल लॉग्स में तो ऐसा कुछ दिखाया ही नहीं। तो इसकी तो दो ही वजह हो सकती है ना मैडम, या तो कोई ऊपरी हवा लगी है, भूत भूत का चक्कर है, या तो मैडम सर झूठ बोल रही है। और मैडम सर तो झूठ बोलेंगे नहीं, तो इसका मतलब यही हुआ कि ऊपरी हवा लगी है, कोई भूत भूत का ही चक्कर है। बताइए आपकी तकलीफ। तकलीफ है तो दीदी बहुत है, पर अभी लेटेस्ट बताती हूँ। हम ठहरे पहलवान, तो अब अखाड़ा हो या गाना, हम तो कुश्ती ही करते हैं, लेकिन अब तो कुश्ती करने के लिए हमारा अखाड़ा ही हमारे पास नहीं रहा। तो मतलब आपको अखाड़ा चाहिए? हाँ जी। सॉरी पर अखाड़ा तो हमारे पास भी नहीं है। ये लुच्ची का बैग 15,000 का है। लुच्ची? लुच्ची मतलब तुम्हारी सास का ना। बर्ताव में महालीचड़ है वो। औरत रॉकेट चलाकर चांद तक जा सकती है, वो औरत कुछ भी चलाकर कहीं पर भी जा सकती है। हाँ छोड़ छोड़, और लंबी छोड़। हीरो बनने की कोशिश कर रहा है संतोष जी के नजर में। अरे इतना ही भरोसा है औरतों के ड्राइविंग पे, तो अपनी फटपटी की चाबी दे उनको चलाने को। ये कैसा कह दिए भाई यार। दीदी अबे क्या करता है यार, तूने तो मरवा दिया था आज। वो तो अच्छा है दोस्त की बाइक लेकर आया। अच्छा नहीं तो अपनी बाइक की मैयत उठानी पड़ती किसी गैरेज। दोस्त की बाइक क्यों उठवाएगा तो? बड़ा ही कमीना टाइप का है रे, लड़की के सामने कुछ पीछे कुछ 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 होता है। अबे जैसा भी हूँ जिंदा तो हूँ ना। अभी सोच अगर वो बोल देती मेरे साथ चल लो ना, तो आज तो ऊपर फेरा। साथ चलोगे मेरे? यही तो सुनना ही नहीं ना इनको किसी की। चलो अब घर पर किसी की बात नहीं सुनती मान लिया, मगर यहाँ पुलिस स्टेशन में तो किसी की सुननी चाहिए कि नहीं। कितना मना किया, कितना समझाया, लेकिन नहीं सुनना किसी को। एक मिनट, आपने कब मना किया? हाँ मना करते तो जैसे मानी जाती, आज तक कौन सी बात मानी है हमारी? कौन सा बात नहीं माना आपका, जब से शादी हुआ है इन्हीं का ही बात मान रहे हैं। अरे भैया कल रात को पैर दबाने के लिए बोले दबाए, तो 3 बजे उठ के कौन पैर दबाता है? 3 बजे रात के हिसाब से मेरी मेस की रोटी, ये आपकी, और मेरे लिए क्या आया है, कलाकंद। और आपकी तरफ से? चलो भाई दोनों के टिफिन ले लिए, तो रोटी ले ली। रोटी भी ऐसी टूट नहीं रही है। बिल्ला बच गया मैडम। घटो यार। अरे अरे ओके बिल्लू यहाँ भी प्लीज। धन्यवाद। देखा सो इज।
का? क्या सर पे हाथ ऐसे रही है क्योंकि आपने किया? तो हमने किया तो तुम काहे कर रही हो? क्योंकि मैं आपको फॉलो कर रही हूँ। हमारा तो मत करो ना हमको फॉलो। काहे हमको फॉलो करते हो नकलची बंदरिया? क्योंकि मेरा कमांड आपके कंट्रोल में है और मैं आपको फॉलो करने के लिए प्रोग्राम्ड हूँ। रोबोट है क्या? अब चल काहे नहीं रही हो? अभी आप ही ने कहा कि फॉलो नहीं करना है। हम ना तुमको रो रोला के नीचे ऐसे बिछा देंगे और तुम्हारा टीम का चादर बना देंगे। तुमको बता रहे हमारा साथ रहने वाला फॉलो जो हम तुम्हें ऑर्डर देते हैं वो फॉलो करना है। वो सीनियर जूनियर वाला फॉलो ये फॉलो करना है। कॉपी वाला फॉलो नहीं करना है कि हम ऐसे करेंगे पैसे करोगे ऐसे करेंगे पैसे करोगी। समझ में हमारी बात को? कंफ्यूज्ड ह्यूमन। कंफ्यूज्ड हूं। चले चलिए। फिर ऐसे रैंडमली पूछा बर्थडे कब है? 18 में। मैंने कहा 17 में। बस वो दिन है और आज का दिन है। बड़े अरमानों से बेटे का शादी किए थे हम। सब दिखावा है। बहू किसी काम की नहीं निकली तो कहाँ जाके सर फोड़े आप बताइए हमको। एक मिनट, ये बहू कहाँ से आ गई बीच में? ना बात कुछ और चल रही थी ना बहू को क्यों दोष दे रही हैं आप? और क्या नहीं करती बहू इनके लिए? घर का काम करती है, ड्यूटी पर आती है। अब क्या चांद तोड़ के लाए फिर खुश होंगी आप? कुछ सब दिखावा है, सब दिखावा। एक मिनट, आप भूल रही हैं आप कहाँ खड़ी हैं? हम सीनियर हैं आपके, यहाँ पे 2 मिनट लगाएंगे लाइन हाजिर करने में। हाँ हाँ, आप ना हमको दबा सकती है, हमारी आवाज को नहीं। इनकलाब जिंदाबाद। बस 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 कीजिए, क्या कर रहे हैं आप लोग? कुछ तो लिहाज कीजिए हमारा। इस तरह हमारे सामने ही आप सास बहू की तरह शुरू हो गए। मैडम सर, सास बहू ही है। सास बहू ही बराबर। ये जो कैदी है ना, ये मेरे को सबसे अच्छा लगा यार। जेल में ज्यादा पाया। ये वो कर रहा है काम एक तरह से। वाला छावा तेरे को बैठने को नहीं बोला, आ गई बैठा है बिठाने के लिए। मेरे को सबसे ज्यादा वो लगा ये रोबोट कहाँ से आया इसके अंदर। रोबोट बीच में आता है भाई। ये मतलब लेटेस्ट एपिसोड होंगे इसके यार। पर अगर आप चाहते हो इनका हम और भी दूसरा पार्ट करें जिसमें रोबोट कुछ वर्जन ऐसे रेड मिल जाए, या इनके आप 16 में बेस्ट सीन चाहते हो तो वो भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और वीडियो को लाइक करना। या आपके पास जो अच्छी एडिट वगैरह हो ड्रामे की या किसी और ड्रामे की वो हमें DM कर सकते हो इंस्टाग्राम पे। बाकी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। गुड बाय।